यो तुम्ही। ये अचानक पापा खाना खाते हुए कहाँ चले गए? इनके दिमाग में अब चल क्या रहा है? हमें कैसे भी राघव भैया और संजू भैया को आजाद करना होगा, कुछ करना पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। बस अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है। क्या है उधर सबका सामने ऐसे ऐसे इशारा करता है वो? अरे फैमिली के साथ बैठे ले, उनको मालूम पड़ेगा तब समझ जाएगा आप उन दोनों मिली भगत है। मैं जानता हूँ भाऊ, पर बात बहुत जरूरी थी। लफड़ा क्या है बोलना। भाऊ वो गणेश को जो इंजेक्शन दिया था उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा हुआ तो गणेश को काबू करना मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ ये तो ठीक है, पर अपने को गणेश का भी जरूरत नहीं है मावत। तर उसको अभी टपका देने का, और वो जेल में बैठी है ना दर्पण, उसको मैं देखता है ठीक है। ऐसा अफवाह फैलाएगा कि वो दर्पण मर गया, तर दर्पण का गम में वो हाथी भी मर गया उसका याद में, और उसका साथ भाई बहन का वो बंधन का स्टोरी का दी एंड लाइन। ठीक है बाबू, जाने का। राम राम। राम राम। जब होलिका प्रह्लाद को मार नहीं सकी तो हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला जाओ जाकर बुला लाओ अपने भगवान को, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, न रात में न दिन में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न कोई मनुष्य न कोई जानवर न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र। ये बात जब प्रह्लाद ने सुनी ना तो प्रह्लाद को बड़ा दुख हुआ और उसने विष्णु भगवान को पुहार लगाई, और विष्णु भगवान भी अपने प्रिय भक्त प्रह्लाद का दुख नहीं देख पाए और उन्होंने नरसिम्हा का रूप धारण किया। ये नरसिम्हा आधा मनुष्य था और आधा जानवर, उसका आधा शरीर सिंह का था और आधा इंसान का। इस नरसिंह ने शाम के समय जब ना रात होती है ना दिन, दरवाजे के दहलीज पर न घर के अंदर न घर के बाहर, बिना किसी अस्त्र और शस्त्र से हिरण्यकश्यप का नाश किया। बेटा इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि पापी चाहे कुछ भी करे, एक ना एक दिन वो पकड़ा जरूर जाता है, उसके पापों का अंत अवश्य होता है, और भगवान भी उसी का साथ देता है जो सच्चा और अच्छा हो। इसीलिए मेरे बच्चे हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चलना। मीठी माँ क्या बोलता है ये? क्या अभी आता है मैं? एक उठे आप क्या, सबको ले साथ में, जल्दी चल। पापा अपने आदमियों के साथ बाहर निकल चुके, आपको पता है ना मैं क्या करना है? हाँ पिंकी, यही सही समय है, राघव और संजू को हमें छुड़ाना चाहिए। चलो चलो जी। सुनो, तुम्हारे माँ बाप ने अर्जी दी थी कि तुम्हें यहाँ पर जान का खतरा है, इसलिए हम तुम्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं। क्या सोच रही हो? चलो। पर सुमन दीदी ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अरे मेरे को हल्के में काहे को लेते हैं तुम लोग? सब रिश्ता का अंदर स्वार्थ आएगा, लेकिन एक रिश्ता का अंदर स्वार्थ नहीं आता है, वो कभी नहीं आएगा। माँ और बेटा का रिश्ता का अंदर वो मैं देख लिया आज। विश्वासराव दगड़ो पाटे, एक ही बोली ये लड़की, पर अपनी सारी बात समझा गई कि हम में से तेरा डर किसी को भी नहीं। अनि है फाइनल,
जो करना है वो कर, हम वही करेंगे जो हमें करना है। पांड्या जड़िया, ये जय और वीरू को रस्सी से बांधने का प्यार से जा। बाइकों को, पिंकी बच्चा को घर का अंदर छोड़ के आने का प्यार से चल। अब तेरा टर्न है इंदरपन, क्या बोलते हैं, तेरी बारी है। नहीं छोड़ूंगा तुझे जिंदा, विश्वास राव तकड़ो पाटिल।